और भैया जी को देखकर मैं काफी खुश हूँ, ये दोबारा शादी कर रहे हैं अपने छोटे बच्चे के लिए, कि जिनकी मम्मी नहीं होती ना भाई उसको कितना दुख लगता होगा। इनके पापा जी की ही शादी है भाई। आग में ही हम लोग बनाते खाना और तांबे के बर्तन में तो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट खाना होता है। तो कल 7-8 बजे जाएगी शादी हरकोट की तरफ। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक नए पहाड़ी लाइफस्टाइल ब्लॉग में। एक दो दिन पहले मैंने आपको बताया था नीचे भाई जी लोगों का था दाल दलाई, आज वहाँ पर चलते हैं, कितनी ज्यादा तैयारी वहाँ पर हो चुकी है और आज मेहंदी भी है, वो भी आपको मैं बताने वाला हूँ। सुबह सुबह दादी जी अभी मेन रास्ते में कर रही है सफाई, क्योंकि कंगनाथ बाबा जी भी आने वाले हैं। सामने भवानदा का मकान है जहाँ पर शादी होने वाली है, शादी अभी यहाँ पर होने वाली है और कल शादी यहाँ से जाएगी हरकोट की तरफ, और अभी आज रात मेहंदी है और गाँव में अभी प्यारी प्यारी धूप खिली हुई है और लोग यहाँ पर शादी है तो शादी की तैयारियां कर रहे हैं। तो यार आज तो मेहंदी है, तभी जाके ताऊजी लेके आ रहे हैं डेग। तो ताऊजी कहाँ से लेके आ रहे हो डेग? ये वो नीचे मंदिर में रखा था हमारे कमेटी में। अच्छा अच्छा, कमेटी से ला रहा। हाँ, क्योंकि अब पूरे गांव का निमंत्रण हुआ, बाहर भी निमंत्रण हुआ ना। दिव्यांशी हाय कर दो, हेलो कर दो। लक्ष्य आपके पापा देखेंगे तो हाय कर दो, हाय कर दो। दोस्तों ने देखो काजल लगाया, कहाँ लगाया, मैं तो नहीं देखा यही। कैसी लग रही है? अच्छी। गांव में फैशन कौन करता है? मैं। आईलाइनर लगा रखा दोस्तों, बाल दिखाना। ओ वाह, क्यों बना रखा है आज जो ऐसा क्यों? तो सामने रहा ये गेट, पया और अभी रिंगाल की पत्तियां लगाई हैं। पया के जो पत्तियां होती है बहुत ही ज्यादा शुद्ध माने जाते हैं, पाताल लोक से कृष्ण भगवान ने इस पेड़ को लेके आए थे धरती लोक में ना। अभी पूरा का पूरा आधा ही बना है, अभी पूरा बनना बाकी बचा है, तो अभी थोड़ा बहुत काम बाकी बचा हुआ है। अभी यहाँ पूरी रस्सी लगाई जा रही है, उसके बाद पूरा का यहाँ पर पताकाएं लगाई जाएंगी और साथ ही थोड़ा बहुत बर्तन भी यहाँ पर आ चुका है। भाई दिन के समय मौसम पूरा का पूरा इतने सारे बादल छाए हुए हैं और तेज हवाएं चल रही हैं और बारिश लगने की शंका हो रही है। तो ये है भाई ज्योति, इनके पापा जी की ही शादी है। मैं सब जुड़े हैं लोग बाग और बाकी क्या बोलते हैं कि अभी तक कल से भात खाया है और दुल्हन कल ही आएगी। ये दूसरा शादी की भात खाया हो रहा है। यहाँ पर आपका प्योली पिटोरी बोलते हैं हम लोग, पहाड़ी लैंग्वेज है, जिसमें दुल्हन के लिए अनेक अनेक प्रकार के सामान होंगे। यहाँ पे जब कल बारात जाएगी तो सभी सामान दुल्हन को दिया जाएगा ना वहाँ पे। अभी थोड़ी बहुत तैयारी चल रही है, अंदर तो बहुत सारे लोग हैं और सारा सामान इकट्ठा कर रहे हैं कल जब शादी जाएगी उसके लिए ना। और थोड़ा बहुत यहाँ पर अभी देखो पताकाएं लगना स्टार्ट हो चुकी है, तो हमारे ना मनोज भाई के हाथ में है ये पताकाएं, इसी प्रकार के पताकाएं लगाना है। यहाँ पर कील ठोका जाएगा तो अर्जुन पूरा पूरा कील ठोक रहा है, जिससे पूरे जितने पताकाएं सभी अच्छी तरह जुड़ जाए। चमकीली वाली लड़ियां यहाँ पर थोड़ी बहुत लग रही है, अभी व्हाइट कलर की लग रही है। और जो ये पहाड़ी मकान है, इस पहाड़ी मकान के ऊपर पे पूरा का पूरा जो सीढ़ी अर्जुन के हाथ में है, अर्जुन अभी पूरा जाएगा ऊपर पे और इसके बाद कील जो इसमें ठोका जाएगा, तभी जाके पूरा ये लड़ियां जो दिख रही है ये पूरा देखो भाई ऐसा करके लगना स्टार्ट हो गया है। साथ में एक मस्त करके डीजे भी है, दिन में तो अभी लाइव है ना। और साथ ही अभी ना सभी लोग लकड़ियां लेके आते हैं शादी में, तो हमारी भाभी जी को देखिए जंगल जाकर भाई इतना सारा लकड़ी लेके आ रही है बारात के लिए। ये देखो तो यहाँ पर देखो भाई छोटी सी हमारी बेटी जी है, ये ज्योति है, ये इनके पापा जी की ही शादी है भाई ना। अब कभी कभी सिचुएशन ऐसा हो जाता है कि मजबूरी में मतलब ये इनके लिए छोटे छोटे बच्चों के लिए करना पड़ता है इनकी खुशी के लिए ना। हेलो करिया, हेलो करी, बिता जाना है, गर्म होना है। शादी की तैयारी यहाँ पर हो रही है, आज मेहंदी कल शादी होने वाली है और दूसरी शादी इससे सिर्फ 10 मीटर की दूरी में होने वाली है। थोड़ा बहुत चूक लेते हैं और कल हमारे भैया जी की है शादी ना भैया, अब कर रहे हैं शादी ना, एक नई जिंदगी की शुरुआत ना, अब छोटे बच्चों के लिए करना ही हुआ उसके भविष्य के लिए ना। सही बात है, अभी जाके तो कल जाएगी शादी, यहाँ से कहाँ जाएगी? दानपुर हरकोट। हाँ हाँ भैया जी को देखकर मैं काफी खुश हूँ, जब ये दोबारा शादी कर रहे हैं अपने छोटे बच्चे के लिए। अभी जो इनकी बेटी ना भाई 2-3 साल की है ना, तो उनके भविष्य के लिए एक, हाँ 4 साल की एक अच्छी मम्मी के लिए ना, क्योंकि माँ जरूरी होती है बोलते ना, मम्मी सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी तो माँ। तभी जाके जिनकी मम्मी नहीं होती ना भाई उसको कितना दुख लगता होगा, तो छोटी बच्ची है उनके भविष्य के लिए एक अच्छे फ्यूचर के लिए ना भाई एक ऐसा कदम उठाना बहुत सही रहता, मुझे तो अच्छा लगा। तो कल भैया की शादी है, ठीक है भैया। हाँ अभी आप मेहंदी है इनकी, तो अभी शाम के समय में मेहंदी होने वाली है। दाल दलाई में आपने देखा होगा बहुत सारे दाले दल रहे थे और अभी थोड़े बहुत दाल तो इसमें पकाने के लिए रखा गया है। इतने बड़े तांबे के तौल में यहाँ पर पूरा का पूरा भी बनाया जा रहा चावल। ताऊ जी कितने नाली का भात बन रहा है आज? एक नाली का 19 नाली चावल जाएंगे, ये
इस तोले में। अच्छा, और एक रिनिया 20 नाली का चावल बनेगा ये। 20 नाली का, तो कितने लोग खा सकते हैं उसको? इसमें आएंगे लगभग 90-100 आदमी। तो यहाँ देखो भाई, हम लोग पहाड़ों में जब कभी शादी या अन्य काम होता है तो आग में ही हम लोग बनाते खाना, और तांबे के बर्तन में तो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट खाना होता है। चावल पक के बढ़ता। अच्छा, चावल पक के बढ़ जाएगा ना। बढ़ जाएगा। अच्छा, फुल आएगा ना। आज के रशारी आप ही हो? आज के मैं हूँ। फिर हाँ, आदमी और है, नहीं पहुँचे हैं अभी। नहीं पहुँचे ना। दाल बनाएंगे, दाल भी रखे हैं चुल्ली में। अभी कौन सी दाल है आज? ये हमारे पहाड़ी दाल है, ग्रूस की, जो हम पहाड़ों में खेतों में बोते हैं, हमारे घर की दाल। तो देखो भाई, अभी तो चावल बनने की तैयारी हो रही है। तो अभी देखो भाई, सारे के सारे लड़ियाँ लग चुकी हैं, और अभी पूरा का पूरा जो ये जगह है जहाँ पर शादी होने वाली है, बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। ये जो दूल्हा और दुल्हन है, दोनों के नाम भी यहाँ पर लिखे हैं, भवानदा और गीता भाभी जी का। जब अभी शाम के टाइम में लाइट आएगा ना, तो पूरा मतलब एरिया जो है एकदम कलरफुल हो जाएगा, रंग बिरंगे लाइट इसमें जगेंगे। मैं जब मैं जवान था उस समय मैं और मरसपुरी ये डेविड वार्नर है। ऑस्ट्रेलिया कब जा रहे हो आप? ऑस्ट्रेलिया कितना? जब कितना आप होते कुछ खर्चा पानी दोगे तब जाएंगे, आगे ऐसे जाएंगे। डेविड वार्नर आजकल आईपीएल में नहीं है, यही रात में बिजी है। अब दिखा दे राहुल जी, अब वहाँ पर दिखा ना, ये बंद लगा खा जाएगा। तो अभी इसमें 20 नाली चावल जा रहा है भाई, देख सकते हैं आप, इसमें 100-150 लोग आराम से खा सकते हैं। पूरा पकाया जा रहा है, चले गया है। और कितना टाइम लगेगा इसको पकने में ताऊ जी? एक घंटा लगेगा। एक घंटा? तो एक घंटा इस चावल को पकने में लगेगा। ज्योति ने तो इतना परेशान कर देना, क्यों बोल तुम? इसने बहुत परेशान कर दिया। ये है तेरा, ले ले और निकाल दे, बोले इसमें है ही नहीं, एक ही मिलता है इनाम। और जो एक ही नाम मिलता है। तो अभी यहाँ पर देखो, हमारे जो ताऊ जी हैं, एकदम हम इनको डेविड वार्नर बोलते हैं प्यार से। तो अभी ये क्या कर रहे हो आप? ये मैं ये पहचान पत्र कर रहा हूँ। पहचान पत्र? ये दुनियादारी में घुस रहे ना। अच्छा, तो भाई इन्होंने देखो अपने जूते में बीबी लिखा है। अपना नाम, अपने नाम का पहला अक्षर। तो ये इससे मतलब जब भीड़ भड़ाका होगा, कहीं जूता खोलोगे तो पता चल जाएगा। यहाँ पर खाना बनने की प्रक्रिया चल रही है। अभी मेहंदी कब होगा? 7-8 बजे ना, एकदम पहाड़ी तरीके से। और कल शादी जाएगी हरकोट की तरफ। तो भाई अभी थोड़े बहुत यहाँ पर अभी चल ही रहा है काम का, जितना भी हो सके। ग्रूस की दाल है, ग्रूस की दाल हम लोग खेतों में ही उगाते हैं, घर की दाल है, साथ में चावल हो गया। और अभी थोड़ी बहुत यहाँ पर पताकाएं लग चुकी हैं। देखो शाम के समय में पहाड़ों में बर्फबारी स्टार्ट हो गई है फिर से। तो ये रहा रैगी का खाना, इसको टाइम पे खाना हम लोग देते हैं, बात के रखा है, क्योंकि आजकल खेतों में अनाज उग रहा है ना, तो अब किसी के भी डॉग ही जाएगा तो खाली सही नहीं रहता ना। दोस्तों रात का समय हो चुका है, हल्दी और मेहंदी होने वाली है। छोटे छोटे बच्चों ने इतना अच्छा डांस किया ना, मजा आ गया, क्रीम पाउडर घसने के लिए ना करके। तो चलते हैं जी, प्रवेश करते हैं दरवाजे से अंदर की तरफ। और भीड़ भाड़ तो भाई शादियों में बहुत ज्यादा होती है। सबसे पहले तो आगे यहाँ, सबसे पहले तो यहाँ पर सभी भाभी लोग और दीदी लोग बैठे हैं। मेहंदी हो गया? नहीं हुआ अभी। अभी हम लोग अंदर आ चुके हैं। तो यार दोस्तों, अभी रात का समय हो गया है, और जस्ट अभी सामने आप देख सकते हैं हमारे भवानदा की हो रही है मेहंदी। हल्दी तो हो गई थी, बट मैं कुछ कारण से पहुंच नहीं पाया, क्योंकि शादी से पहले मेहंदी लगाना एक शुभ माना जाता है। तो भाई एक जमाना ऐसा था, मेरा भी लग रहा था मेहंदी मस्त करके मैं खुद ब्लॉग में आता, लेकिन पहले हल्दी भी थी और ठंडा ना लग रहा मेरा, मतलब थोड़े जाम का सीन। अब साहब दादा कैसा लग रहा है फिर आपको, आपकी शादी हो रही है? बढ़िया भाई, बढ़िया लग रहा है। उम्मीद परेशान है कि यार तो यहाँ पर जस्ट मजाक है, शादी मतलब एक नई शुरुआत होती है। ये देखो भाई, यहाँ पर इतनी प्यारी मेहंदी लग रही है, और सामने देखो ये भी बहुत प्यारी मेहंदी। और जिसका मतलब मेहंदी डार्क लगता है ना, मतलब उनकी पत्नियां बहुत पसंद करती है। बल्कि तो दोस्तों चलते हैं हम लोग घर की तरफ। कल मॉर्निंग में जब शादी जाएगी तब आऊंगा, क्योंकि अभी घर में जो मैडम जी अकेली है, बाबा लोग तो होम स्टे में ना, अब थोड़ा बहुत उनको अकेला भी नहीं छोड़ना हो, तो फटाफट घर की तरफ चलते हैं यार।